नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल कोटवा आजमगढ़ की तरफ से सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों व अभिभावकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। On the eve of the 72nd Republic Day of the great nation of India, I congratulate my dear parents, students and my staff. On behalf of Azamgarh Public School fraternity, I congratulate everybody. We should be proud of our nation that we belong to. India is a great nation. It has been a great nation. And it has had a history of wise and learned people. We need to learn from them. We need to follow their footsteps. And the constitution that we have, the most elaborate constitution in the world, the need is to follow it, to venture on the right path. And I request everyone that please stay united. Don't let anything or anybody divide you. We are Indians first and we should be proud of that. Jai Hind. CPS स्कूल के छात्र छात्राओं ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त कर नाम रोशन किया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में जहां जिले के कई विद्यालयों के बच्चे अपने कार्यक्रमों का हुनर दिखाकर अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया, उसमें CPS स्कूल के छात्र छात्राओं ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त कर जिले में CPS स्कूल का नाम गौरवान्वित किया है। छात्रों को इस उपलब्धि पर CPS ग्रुप ऑफ स्कूल के फाउंडर अयाज अहमद खां, मैनेजर नवाज अहमद खां और प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर रेखा ने छात्र छात्राओं को बधाई दिया है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना किया है।